देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि इस मैच के अंदर जोस बटलर है वो फ्लॉप हो सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा ये सुन के मेरे को बताना। क्योंकि दोस्तों, इस मैच में जोस बटलर के फ्लॉप होने के काफी चांसेस है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वाला मैच आपके लिए ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आईपीएल 2022 के फाइनल मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड के ऊपर। 29 मई को शाम को 7:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। दोस्तों, सबसे पहली बात, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो याद से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा, आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि ये मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड के ऊपर। दोस्तों, इस ग्राउंड के ऊपर मैच कोई भी टीम जीत सकती है, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो टीम टॉस जीतेगी वो बोलिंग चूज करने वाली है। उसका मेन रीजन क्या दोस्तों, कि ये वाला मैच शाम को 7:30 पे स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे आपको सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू फैक्टर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, इस ग्राउंड की सबसे खास बात क्या है, इस ग्राउंड के ऊपर 5 पिच है वो ब्लैक सोइल से बनी हुई है और 4 पिच है वो रेड सोइल से बनी हुई है। अगर दोस्तों ब्लैक सोइल पे जो पिच है उसपे मैच होता है, उस केस के अंदर आपके लिए फास्ट बॉलर प्लस बैट्समैन इंपोर्टेंट रह सकते हैं। अगर रेड सोइल वाली पिच पे मैच होता है, उस केस में आपके लिए स्पिनर प्लस बैट्समैन इंपोर्टेंट रह सकता है। और दोस्तों, जो लास्ट वाला मैच खेला गया था राजस्थान और बेंगलोर के बीच, वो मैच खेला गया था ब्लैक सोइल की विकेट के ऊपर, और ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बता दी थी। उस मैच में दोस्तों बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते 157 रन बनाए थे 8 विकेट पे, और राजस्थान ने 161 रन बनाकर 7 विकेटों से वो मैच जीत लिया था, जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे जोस बटलर, जिन्होंने सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 106 रन बनाए थे। अगर दोस्तों इस मैच में फास्ट वर्सेस स्पिन की बात करें, तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला था। यानी दोस्तों, इस मैच में कंप्लीटली बैट्समैन के साथ फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया था, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। वहीं दोस्तों, एक खास बात क्या है कि इस मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हो, जो टीम पहले बॉलिंग करे उसमें डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाले बॉलर को बना सकते हो, या सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को बना सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलेगी, जो कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो होगी ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात। अगर हम बात करें इस पिच के रिकॉर्ड के बेसिस पे राजस्थान और गुजरात के कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो दोस्तों राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने लास्ट मैच में 106 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, बटलर के लिए यहाँ पे दो प्लेयर काफी खतरा रह सकते हैं, जिनमें से पहला नाम है मोहम्मद शमी, जिन्होंने बटलर को 5 बार आउट किया है, और दूसरा नाम है राशिद खान, जिन्होंने बटलर को 4 बार आउट किया है। ये दोनों प्लेयर दोस्तों बटलर के लिए खतरा रह सकते हैं। और अगर दोस्तों राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है, उस केस के अंदर आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में बटलर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बॉल थोड़ा स्विंग होती है और हो सकता है बटलर स्टार्टिंग में आउट हो जाए। उसके बाद दोस्तों ओबेड में कोई काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं राजस्थान की तरफ से। वहीं दोस्तों गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और राशिद खान आपके लिए क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज क्या है, इस ग्राउंड के ऊपर जो टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे उसके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों गुजरात की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, तो शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह आपके लिए काफी क्रूशियल रह सकते हैं। इवन आप शुभमन गिल को इस मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के भी चल सकते हो। वहीं दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाले बॉलर इंपोर्टेंट रह सकते हैं, तो राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड में कोई थोड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, और गुजरात की तरफ से यश दयाल और अल्जारी जोसफ इंपोर्टेंट रह सकते हैं। अगर दोस्तों अल्जारी जोसफ ना खेले, उस केस के अंदर लोकी फर्गुसन काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ ग्रैंड लीग की पिक बताता हूं। सबसे पहला नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे। उसके बाद मोहम्मद शमी दोस्तों स्टार्टिंग में बॉलिंग करने आएंगे, लोकी फर्गुसन और अल्जारी जोसफ। देखो दोस्तों, यहां पे डेथ में बॉलिंग करने वाले बॉलर विकेट निकालते हैं, तो यहां पे लोकी फर्गुसन और अल्जारी जोसफ में जो भी खेलेगा वो प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग की नंबर वन पिक रह सकती है। अगर दोस्तों ये वाला मैच रेड सोइल की विकेट के ऊपर खेला जाता है, उस केस के अंदर चहल अश्विन और आर शाही किशोर आपके लिए क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा फाइनल पिच रिपोर्ट, और साथ ही मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि मैच कौन सी पिच के ऊपर खेला जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों प्लेइंग 11 और प्लेयर कंपैरिजन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो याद से डाउनलोड कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि आप माई 11 सर्कल ऐप को क्यों डाउनलोड करो और माई 11 सर्कल ऐप पे क्यों खेलो, क्योंकि दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप जीत सकते हो हर दिन 1 करोड़ रुपए अगर आप मेगा लीग जीतते हो तो। और सबसे खास बात क्या दोस्तों, माई 11 सर्कल ऐप पे आपको सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, चाहे आप खुद किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, और अगर कंपटीशन कम होगा तो आपके जीतने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान और गुजरात के मैच में अपनी टीम से विजय लक्ष्मण सर की टीम को हराओगे तो आपको मिलेगा 5 गुना कैश। देखो दोस्तों
फैंटेसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑफर आपको माई इलेवन सर्कल ऐप दे रहा है, सबसे कम कंपटीशन आपको माई इलेवन सर्कल ऐप पे देखने को मिल रहा है, तो जल्दी कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा ₹1500 का साइनिंग बोनस, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए खास ऑफर है जिनमें उनको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो जिसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्लेइंग 11 ऑफ गुजरात टाइटंस विद बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छी टीम बनानी तो आपके लिए बैटिंग ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों गुजरात की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल, उसके बाद तीन नंबर बैटिंग करने आएंगे मैथ्यू वेड, यानी दोस्तों गुजरात के लिए आपके लिए तीन प्लेयर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें राजस्थान के कौन से बॉलर के सामने बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो पहला और लेके आएंगे ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, उसका दोस्तों पावर प्ले में एक और आर अश्विन डाल सकते हैं, एक और ओबेड मेकोय डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के बारे में, तो हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद खान आपको मिडिल ऑर्डर की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। और अगर दोस्तों हम बात करें गुजरात की तरफ से बोलिंग सेक्शन के बारे में, तो राशिद खान, आर साई किशोर, यश दयाल, अल्जारी जोसफ और लोकी फर्गुसन में से कोई एक खेलेगा, और मोहम्मद शमी आपके लिए गुजरात की तरफ से बोलिंग की कमान संभालते हुए दिखेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के डेथ ओवर के बॉलर के बारे में, तो प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेड मेकोय, यूजी चैल आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। यूजी के चैल दोस्तों 17 में 18 ओवर डालने भी आ सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे कुलदीप सेन को मौका देती है राजस्थान की टीम, तो ये प्लेयर भी डेथ में बॉलिंग करने आ सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात की तरफ से सेफ ऑप्शन, तो रिद्धिमान शाह सेफ है, शुभमन गिल सेफ है, हार्दिक पांड्या सेफ है, डेविड मिलर सेफ है, राशिद खान सेफ है और मोहम्मद शमी सेफ है। अब दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, उस केस में दोस्तों अगर यहाँ पे गुजरात की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे, तो आप रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल में किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे गुजरात की टीम पहले बॉलिंग करे, तो आप यश दयाल को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अल्जारी जोसफ या लोकी फर्गुसन में किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बाकी दोस्तों प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो चेंज होता है, वो चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्लेइंग 11 ऑफ राजस्थान रॉयल्स विद बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों राजस्थान की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे जोस बटलर और वाई जायसवाल, और तीन नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं संजू सैमसन, यानी दोस्तों राजस्थान की तरफ से ये तीन प्लेयर आपके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इनके सामने कौन से गुजरात के बॉलर बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो पहला और लेके आएंगे मोहम्मद शमी, दूसरा और लेके आएंगे यश दयाल, उसका दोस्तों पावर प्ले में एक और हार्दिक पांड्या डाल सकते हैं, एक और अल्जारी जोसफ और लोकी फर्गुसन में से जो भी खेला है वो डाल सकता है। और दोस्तों जैसे कि मैं पता है कि राशिद खान ने बटलर को चार बार आउट किया है, तो पावर प्ले में राशिद खान भी बॉलिंग करने आ सकता है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की तरफ से मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे देवदत्त पाडिकल, सिमरन हेटमायर, रियान पराग और आर अश्विन, और राजस्थान की तरफ से बॉलिंग की कमान संभालेंगे आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल और ओबेड मेकोय। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डेथ ओवर के बॉलर की, तो गुजरात की तरफ से डेथ में बॉलिंग करने आएंगे यश दयाल, अल्जारी जोसफ और लोकी फर्गुसन में से जो भी खेलेगा वो प्लेयर, और राशिद खान। अब दोस्तों अगर हम बात करें सेफ ऑप्शन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे बटलर, सैमसन, देवदत्त पाडिकल, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद दोस्तों आपके लिए प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल सेफ रह सकते हैं राजस्थान की तरफ से। अब दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, तो आप कुछ टीमों में बटलर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बटलर को राशिद खान ने चार बार आउट किया अपने करियर में, और मोहम्मद शमी ने पांच बार आउट किया हुआ है, ये दोनों प्लेयर आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर राजस्थान की टीम पहले बॉलिंग करे, तो प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मेकोय दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि दोनों डेथ में बॉलिंग करने आ सकते हैं। अगर दोस्तों ये विकेट रेड सोइल से बनी होती है, उसके अंदर चहल और अश्विन दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और ये चीज मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी दोस्तों प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो चेंज होगा, तो वो चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात और राजस्थान के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों हेड टू हेड में दोनों टीमों ने अब तक दो मैच खेले, और दोनों के दोनों मैच गुजरात ने जीते हैं। अगर कोई दोस्तों प्लेयर बैटल की बात करें, तो आपको जोस बटलर वर्सेस राशिद खान प्लेयर बैटल देखने को मिल सकती है। दोस्तों राशिद खान ने बटलर को 41 बॉल डाली है, 25 रन दिए और 4 बार आउट किया। उसके बाद बटलर वर्सेस मोहम्मद शमी प्लेयर बैटल देखने को मिल सकती है। उसके बाद मैथ्यू वेड वर्सेस ट्रेंट बोल्ट प्लेयर बैटल देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैथ्यू वेड को ट्रेंट बोल्ट ने 35 बॉल डाली, 58 रन दिए और 3 बार आउट किया। यानी दोस्तों आप एक टीम इन प्लेयर बैटल के बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। मैं आपको बता दूं कि प्लेयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर हमारे पास गुजरात की तरफ से रिद्धिमान शाह ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। मैथ्यू वेड 3 नंबर बैटिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 35 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों राजस्थान की तरफ से बटलर ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 106 रन बनाए थे। संजू सैमसन 3 नंबर बैटिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 23 रन बनाए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो, तो आपका फर्स्ट चॉइस है जोस बटलर, सेकंड चॉइस है संजू सैमसन और थर्ड चॉइस है रिद्धिमान शाह। तीनों प्लेयर आपकी स्मॉल लीग टीम में मस्ट रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, उस केस के अंदर अगर यहाँ पे राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करे, तो आप बटलर को ड्रॉप कर सकते हो, और उस केस में जब गुजरात की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी, तो आप रिद्धिमान शाह को मौका देकर उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में मैथ्यू वेड को भी मौका दे सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में।
बैट्समैन हमारे पास गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच 35 रन बनाए थे, अभिनव मनोहर लास्ट मैच नहीं खेले थे, डेविड मिलर खेले थे, चार या पांच नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 68 रन बनाए थे लास्ट मैच में, साई सुदर्शन लास्ट मैच नहीं खेले थे। वहीं दोस्तों हमारे पास राजस्थान की तरफ से देवदत्त पाडिकल चार नंबर बैटिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 9 रन बनाए थे, वाई जयसवाल ओपनिंग करते हैं लास्ट मैच में 21 रन बनाए थे, सिमरन हेटमाए पांच या छह नंबर बैटिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 2 रन बनाए थे नाबाद, आर वंडर डिशन और करुण नायर लास्ट मैच नहीं खेले थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो, आपका फर्स्ट चॉइस है यहाँ पे शुभमन गिल, सेकंड चॉइस है डेविड मिलर, थर्ड चॉइस आप देवदत्त पाडिकल और वाई जयसवाल में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, उस केस के अंदर अगर यहाँ पे गुजरात की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे तो आप शुभमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और अगर दोस्तों गुजरात की टीम पहले बैटिंग करे तो आप डेविड मिलर पर भी ज्यादा ट्रस्ट दिखा सकते हो, और अगर दोस्तों राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करे तो आप देवदत्त पाडिकल को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग की एकाधिक टीम के अंदर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर के बारे में। दोस्तों ऑलराउंडर हमारे पास यहाँ पे गुजरात की तरफ से हार्दिक पांडे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, तीन या चार नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट 40 रन, आर साई किशोर दोस्तों स्पिनर लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, राहुल तेवतिया की लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी। वहीं दोस्तों राजस्थान की तरफ से जिमी नेशम लास्ट मैच नहीं खेले थे, डार्ली मिचेल भी नहीं खेलते, रियान पराग खेले थे जिनकी बैटिंग नहीं आई थी, आर अश्विन की दोस्तों बैटिंग नहीं आई थी लेकिन इस प्लेयर ने 1 विकेट दिया था। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो, आपका फर्स्ट चॉइस है हार्दिक पांड्या, सेकंड चॉइस है आर अश्विन, स्मॉल लीग की टीम में ये दोनों प्लेयर आपके लिए मस्ट रह सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, तो उस केस के अंदर आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में तेवतिया को मौका दे सकते हो, ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में रियान पराग को मौका दे सकते हो, बाकी दोस्तों आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग हमारे पास गुजरात की तरफ से राशिद खान लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला था, लोकी फर्गुसन लास्ट मैच नहीं खेले थे, अल्जारी जोसेफ खेलते जिनको 1 विकेट मिला था, यश दयाल को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट लास्ट मैच में 1 विकेट, ओबेड में कोई को 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट, वाई चैल को कोई विकेट नहीं और कुलदीप सेन लास्ट मैच नहीं खेले थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है राशिद खान, सेकंड चॉइस दोस्तों आप मोहम्मद शमी यस दयाल में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों आपके राजस्थान की तरफ से फर्स्ट चॉइस है प्रसिद्ध कृष्णा, सेकंड चॉइस आप ओबेड में कोई ट्रेंट बोल्ट और वाई चैल में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, तो उस केस के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेड मेकोए, अल्जारी या लोकी में से जो भी खेले उस प्लेयर पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, यस दयाल पे फोकस कर सकते हो क्योंकि ये प्लेयर डेथ में बॉलिंग करने आ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग की एक टीम ऐसे बना सकते हो जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके आप ज्यादा बॉलर ले सकते हो, उनमें से जो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाई है, बाकी दोस्तों हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम मैं टेलीग्राम पे दूंगा। इस टीम में मैंने विकेट कीपर में लिया बटलर, सैमसन और रिद्धिमान शाह को, बैटिंग में लिया यहाँ पे डेविड मिलर, शुभमन गिल और देवदत्त पाडिकल को, ऑलराउंडर में लिया हार्दिक पांड्या को, बॉलिंग में लिया राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी और ओबेड मेकोए को। अब दोस्तों अगर इस टीम में हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोबेबली पांड्या को, बटलर को, उसके बाद शुभमन गिल को, उसके बाद संजू सैमसन को, इन चार पांच बंदों के साथ जाने वाली है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो ज्यादा, तो कुछ टीम में आप बटलर को ड्रॉप कर सकते हो, और उस केस में दोस्तों आप यहाँ पे मोहम्मद शमी या फिर यहाँ पे यस दयाल को मौका देके उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो, या फिर दोस्तों अगर गुजरात की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे तो रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल में किसी एक को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देवदत्त पाडिकल की जगह वाई जयसवाल को मौका दे सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पे गुजरात की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह में किसी एक को ड्रॉप करके या किसी एडिशनल बैट्समैन को मौका दे सकते हो, यानी मैथ्यू वेड को भी मौका दे सकते हो। बाकी दोस्तों डेमो टीम इसमें एक या दो चेंज हो सकते हैं, फाइनल मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो याद से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखो दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप जीत सकते हो हर दिन 1 करोड़ रुपए अगर आप मेगा लीग जीतते हो तो, और कॉम्पिटिशन सबसे कम है, और दूसरी बात दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ऑफर देता है माई 11 सर्कल ऐप, और अगर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज करते हो जो कि आपको नीचे दिख रहा है तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट डिपोजिट पे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से गुजरात और राजस्थान के बीच होने वाले फाइनल मैच की प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।